बताओ जब हाथ टूट गया तो कैसे हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मैंने काफ़ी दिनों से व्लॉग कंटिन्यू नहीं किए थे क्योंकि मैंने इंस्टा पे स्टोरी भी लगाई थी कि आई एम नॉट वेल। तो मैं काफ़ी टाइम हो गया, एक हफ्ता या एक हफ्ते से शायद ऊपर, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी बिल्कुल भी। तो मैंने वीडियोज़ वगैरह भी नहीं कंटिन्यू की थी। ऐसा नहीं है, मुझे चक्कर हो गया था, मतलब प्रॉब्लम हो गई थी कुछ, तो वीडियो भी कर। मम्मी कह रहे दस्त लग गए थे। तो इंसान छपके, मैं ये नहीं कह रही हूँ मेरे लगे थे, बता रही हूँ ऐसा कि ऐसा तो नहीं था, सांस वगैरह नहीं आती, मुझे ये प्रॉब्लम थी। तो गाइज, और फिर भी ऐसा नहीं है, तबीयत मेरी खराब थी, मैं हंस रही थी बहुत, कुछ सब कुछ ठीक था लेकिन वीडियोस वगैरह नहीं बनाई थी, मैं उठ नहीं पा रही थी, बस ये प्रॉब्लम थी। बाकी अब मैं ठीक हूँ और वीडियोस भी मैंने अभी प्रॉपर अभी नहीं बना रही हूँ बिल्कुल, तो मैं कंटिन्यू करूँगी कुछ टाइम बाद से, मतलब कल परसों से ही। मत करना, गंदा लग रहा, मत आ। गजब बेइज्जती है। ये गंदा है नहीं, बस हो गया क्योंकि क्रिकेट वगैरह पूरे दिन धूप में रहता है, ना जाता है। Okay, मेरा हाथ दुख गया फोन पकड़ते हुए। क्या खा रहे कचौड़ी? मुझे कचौड़ियाँ वगैरह नहीं अच्छी लगती, ब्रेड पकौड़े समोसे ये सब तो चलता है। और अभी अभी मैंने पी थी चाय शाम को, मैंने दिखाया नहीं। तो गाइज ये सब कुछ हटाओ और मेरी तबीयत अब ठीक है, पहले से बेटर है और सब कुछ सही लग रहा है मुझे अब। और बाकी अभी बन रहा है गाजर का हलवा, तो आंटी बना रही है, आंटी बोले तो भाभी की मम्मी है ये, ठीक है, तो बना रही है गाजर का हलवा और मम्मी भी हेल्प करवा रही है। मम्मी भी हेल्प करवा रही है। क्या बोलना है? वो दे दी थे मम्मी एयरपोर्ट कहाँ रखे हैं? ठीक है, तो अभी बन रहा है गाजर का हलवा, जब बनेगा तो वो भी मैं दिखाऊंगी कैसे बनता है। खैर आता ही होगा लेकिन मुझे नहीं आता, तो ये लोग बना रहे हैं, फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, ठीक है? ओके। सो गाइस, हलवा भी रेडी हो गया है, इसमें बस बाकी जो ऊपर से ड्राई फ्रूट चल रहे हैं वो रह गए हैं, और ये आंटी ने बनाया है, भाभी की मम्मी ने। और ना अभी गेस्ट आए इसलिए मैंने व्लॉग कंटिन्यू नहीं किया। देखो टूट जाएगा, ले ले यहाँ तक छोड़ ले, क्या बच्चे तोड़ के मारेंगे, अरे छोड़ दो ना, मुझे डैडी बैठे तो ये भी सो के उठ के आई है अभी अभी। हेलो कर दो, बाय कर दो, बाय बाय। ठीक है, तो सारे गेस्ट उठे तो फिर मैंने देखा सब लोगों ने चाय वगैरह पी, और अंदर रूम में भाभी है, दीदी ये भी उठ गया। तू कहाँ गया था? तू मुझे लगा अकेडमी गया, कपड़े पहना हुआ है, तो ये जाता है सुबह सुबह अकेडमी, तो गया नहीं आज। बाकी मैं भी अब कुछ खा लूं फिर मैं दिखाती हूँ आपको। इन लोगों की बातें सुनो, ताली मोटी इतनी हो चुकी है तेरा पैर, ताली मोटी गई तो ये लोग वो इंसिडेंट बता रहे हैं जो हम लोग मनाली गए थे बहुत पहले, वही लोगों का हंसी मजाक हो रहा है। और बाकी जो मैंने कल दिखाया था ना कि टीवी जो है, भाई मेरी आवाज में आई नहीं मेरे व्लॉग में थी, अच्छा चलो अंकल नमस्ते, चलो काम की बात करते हैं, आपकी बेटी कितनी खाती है,
अंकल तो कसते ओके भाई चलो काम की बात कर। तू क्या देख रही है? तो ना कल ना टीवी टूट गया था, तो फिर डैडी ना प्रोजेक्टर लेके आए। अच्छा अंकल ये बता दो कि डैडी टीवी की जगह प्रोजेक्टर क्यों लेके आए हैं इस बार? क्योंकि उसमें बचत हो जाएगी, टीवी में लाएंगे फिर महंगा पड़ेगा, और टीवी इतने पैसे लगा के छोटा देखना पड़ता है, प्रोजेक्टर कम पैसे लगा के पूरी दीवार देखते, कम दाम ऊंचे दाम, ये है लाला की पहचान। पूरा घर ऐसे हंस रहा है। एक इनका रोल में धोखा हप्पू सिंह आता है, उसके स्कूटर में कभी पेट्रोल ही नहीं होता, धक्का लगाता रहता है। तो गाइस जब ना ये प्रोजेक्टर लगेगा सब कुछ, फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, ठीक है? फिर वो कल भैया भी आएंगे लगाने के लिए। भी मैच करता तुम्हारे मामा से, जेठालाल भी मैच करता है। क्या कर रहा है? बेइज्जती करवा रहा मामा, स्टार बना दिया। स्टार बना दिया, इतना पुराना आ रहा। तो गाइस अभी शाम हो रही है और ये बहुत देर से ना बुआ के घर पे थी, अभी अभी आई है ये, और सब गाल फट गए लादों के। अच्छा ये बताओ जब हाथ टूट गया था तो कैसे रोई थी? अच्छा मैं भजन सुना दूं? भजन अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तू मीरा की जैसे बुलाते नहीं, कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, वीर शबरी के जैसे खिलाते नहीं, कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, माया शोदा की जैसे सुनाते नहीं, कौन कहते हैं अच्छा है भजन अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जाने। वाओ ब्यूटीफुल। और यहाँ फिर नाश्ते का टाइम हो रखा है। दीदी से बुला दो, मिक्स नहीं करूँगा। सब लोग चाय वगैरह पी रहे हैं और अभी गोलगप्पे आने वाले हैं, वो खाएंगे हम लोग। तो अब ना गोलगप्पे खा रहे हैं सब लोग। सारे लोग गोलगप्पे, इसको यहाँ पे बैठा दो ना इधर। तो ठीक है हम लोग खा लें इसके बाद में। और गाइज आप लोग को ये भी बताना था कि मैं इंस्टा और यूट्यूब पे क्यों इनएक्टिव थी, क्यों मैंने इतना गैप लिया, क्योंकि मैंने स्टोरी भी लगाई थी कि आई एम नॉट वेल, तो मेरी थोड़ी सी ज़्यादा तबीयत ख़राब थी इसलिए मैंने स्टोरी लगाई थी, वरना ऐसे नॉर्मली कुछ होता तो मैं इतना नहीं, मैं बना लेती हूँ या पुरानी वीडियोस भी डाल देती हूँ, ठीक है? तो मेरी तबीयत ख़राब थी इसलिए वीडियोस वगैरह नहीं बनाई, इसलिए यूट्यूब पे भी मैंने नहीं बनाया कुछ भी। बाकी मुझे एडवाइस दी थी कि अगर तुम बीमार थे तो ये अच्छा कंटेंट था, तुम पूरा व्लॉग वगैरह डालते, लेकिन ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, अब मेरी तबीयत में मुझे देखते या व्लॉग कंटिन्यू करते ये सीन था, तो इसलिए मैंने गैप ले लिया, मैंने कुछ बनाया ही नहीं, इतना फ़ोन वगैरह नहीं चलाया था मैंने। बाकी थोड़ी थोड़ी तबीयत ठीक है अब तो, मतलब ठीक है, मैं व्लॉग कंटिन्यू करूँगी। मैंने पहले ही सोचा था कि मैं व्लॉग्स कंटिन्यू करूँगी, लेकिन बीच में फिर ऐसा हो गया इसलिए मैंने कुछ कंटिन्यू नहीं किया। बाकी अब से मैं सोच रही हूँ, मुझे आप लोग ना कुछ आइडिया दो, कंटेंट बताओ कि मैं क्या डालूँ। बाकी मैं सोचती हूँ मैं कहीं बाहर जाऊँ तो मैं बनाऊँ, लेकिन ऐसा होता नहीं, मैं बाहर कभी जाती नहीं हूँ। अभी कुछ दिन पहले प्लान बना था नेपाल जाने का, नानी के घर जाने का, वो भी कैंसिल हो गया, वहाँ पर फिर हम लोग गए नहीं। और देखते हैं जब हम जाएंगे तो फिर मैं पक्का व्लॉग बनाऊंगी हर चीज़ का, हर एक चीज़ का। मैं नहीं मानता। सो गाइज अगर आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा तो इसको लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और अपना फेवरेट पार्ट कमेंट्स में जरूर बताना, क्योंकि मैं सबका रिप्लाई करूंगी, और सब्सक्राइब जरूर करना। क्यों नहीं?
ओके बाय बाय लव यू ऑल।